ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छडोल में तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इसमें बच्चों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी गई। इस कार्यक्रम में बीएमओ मार्कंडेय कुलदीप ठाकुर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कुलदीप ठाकुर ने बताया कि नशे से दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग व स्लोगन प्रतियोगिता भी करवाई गई। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छडोल में तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इसमें बच्चों को नशों से दूर रहने के लिए प्रेरणा दी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएमओ मार्कंडेय कुलदीप कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि नशे से दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस अवसर पर स्कूल में भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग व स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रधानाचार्य ने बच्चों को कहा कि नशे से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए जिससे हमें कोई नुकसान हो। राजकीय विद्यालय विश्व स्वास्थ्य दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें हमने बच्चों को बहुत सारे विस्तृत जो जानकारी दी। इसमें जैसे हमारे पूरे विश्व में लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है वो धूम्रपान से जो है वो मतलब ग्रसित होते हैं लोग, उनकी जो है वो मृत्यु होती है। तो भारत में लगभग इसका जो है वो 10 लाख का जो आंकड़ा है वो इसमें आज की डेट में जो है वो पहुँच गया है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस का मतलब ये है कि हम तंबाकू और उससे संबंधित जो भी प्रोडक्ट हैं उनका हम बिल्कुल जो है वो प्रयोग ना करें, ताकि जो आने वाला जो भविष्य है यानी जो किशोरावस्था है जो आज की दिशा में इस ओर जो है वो बढ़ रही है। अपने देश की लगभग 60% जो है वो आबादी जो है वो युवा हैं और जो वर्तमान जो आंकड़ा है वो जो आज की युवा है वो नशे की ओर जो है वो ज़्यादा जो है अग्रसित हो रही है। तो हमने बच्चों को इस दिशा में ना बढ़े इस प्रकार का जो आयोजन जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वर्ल्ड नो टबाको डे का जो कार्यक्रम है उसका जो आयोजन जो हो रहा है वो इसी माध्यम से हो रहा है कि ताकि जो हम अपने समाज में जो इस प्रकार का जो मतलब चलन प्रचलन जो बढ़ रहा है उसको हम अवेयरनेस के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से कम उसको हम कम करें और उसी के आधार पे हम जो है अपनी जो आने वाली जो नई जनरेशन है उसको हम सही दिशा में उसको हम बढ़ा पाएंगे। तो अपना जो इस विद्यालय में जो कार्यक्रम हुआ इसमें बच्चों ने बहुत अच्छा जो कार्यक्रम किया, इसमें भाषण प्रतियोगिता, इसमें अपना स्लोगन का जो कार्यक्रम था और जो पेंटिंग का, तो बच्चों ने बहुत सारा जो बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। मैं सभी अपने इस विद्यालय के अध्यापक का और जो बच्चों ने इसमें भाग लिया उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैं अपने जो खंड के हमारे मार्कंड खंड के जो अपने डीएमओ साहब हैं और अपने स्टूडेंट साहब हैं तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस विद्यालय की जो सिलेक्शन की तो मैं भी इसमें एक भागीदार बना, मुझे भी यहाँ कुछ 4 शब्द बोलने का मौका मिला। तो मैं अपने अपने स्वास्थ्य विभाग का और अपने विद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा उनका।